तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन लोग करने वाले हैं रियल मी 7 का कैमरा टेस्ट, और देखेंगे इसमें हमको कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है कैमरा की। और दोस्तों, इसको अपन लोग पोको M2 प्रो के कैमरा के साथ भी कंपेयर करके देखेंगे, क्योंकि दोस्तों पोको M2 प्रो के अंदर हमको 40 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, क्योंकि काफ़ी अच्छी फोटोज़ को क्लिक कर लेता है। और दोस्तों, इसके अंदर हमको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, वो भी सोनी के 6682 सेंसर के साथ में, जो कि काफ़ी अच्छा सेंसर माना जाता है। तो अपन लोग कंपेयर करके देखेंगे कि इसमें हमको कितना डिफरेंस देखने को मिलता है डिटेल्स में। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वाली फ़ोटो मैंने इसी रियलमी 7 के मेन कैमरा से खींची, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छी लग रही है फ़ोटो देखने में। और दोस्तों, अगर इसको अपन लोग कंपेयर करते हैं अगर अपने पोको M2 प्रो के साथ, तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं, इसमें हमको कितना फ़र्क देखने को मिल रहा है। मतलब कि आप दोनों में आप देख सकते हैं, मतलब एक्सपोजर का हमको थोड़ा फ़र्क देखने को मिल जाएगा। और 10वें रेंज मुझे थोड़ी रियलमी 7 की ज़्यादा अच्छी लगी, और पोको M2 प्रो के मुझे कलर थोड़े ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इस वाले फ़ोटो में, आप जैसा कि देख ही सकते हैं। और डिटेलिंग भी थोड़ी पोको M2 प्रो में ज़्यादा देखने को मिल रही है, और शार्प भी थोड़ी पोको M2 की ज़्यादा लगी मुझे इमेज। और दोस्तों, ये इसके अल्ट्रा वाइड मोड का फोटो है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाता है रियलमी 7 का अल्ट्रा वाइड। और दोस्तों, उसको अपन पोको M2 प्रो के साथ कंपेयर करें, तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, दोनों में हमको लगभग बराबर वाइड एंगल देखने को मिल रहा है। लेकिन थोड़ा मतलब पोको M2 के वाइड एंगल में भी आप देख सकते हैं डिटेलिंग थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन आप कह सॉरी दोस्तों, लेकिन आप कह सकते हैं एक्सपोजर थोड़ा कम है पोको M2 प्रो के में। और थोड़ा मतलब हमको रियलमी 7 के में डिटेलिंग भी अच्छी देखने को मिल रही है, और एक्सपोजर थोड़ा सा आप कह सकते हैं ज़्यादा लग रहा है मुझे। और दोस्तों, एक और मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये भी मैंने इसी के मेन कैमरा से ली थी, तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। और इसमें इसने डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छे से एडजस्ट कर रखी है, और देखने में काफ़ी सुंदर इमेज लग रही है दोस्तों ये। और इसको भी अगर अपन लोग कंपेयर करते हैं, तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, पोको M2 प्रो की इमेज फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में, और कलर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे मुझे पोको M2 प्रो के। और डिटेलिंग दोस्तों दोनों ही फ़ोटोज़ में मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, मतलब कि दोनों ही फ़ोन्स के कैमरे में। लेकिन रियलमी का कैमरा थोड़ा ज़्यादा बड़ा, मतलब ज़्यादा पिक्सल वाला है, तो उसमें हमको थोड़ी सी डिटेलिंग में फ़र्क देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, आपका और दूसरे फ़ोटो को देखिए यार दोस्तों, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें मैंने एक नॉर्मल से फ्लावर की इमेज की कैप्चर की थी, जिसमें आप देख ही सकते हैं काफ़ी अच्छे से फोकस कर लिया, और कलर्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। वहीं पे अपन इसको पोको M2 प्रो के साथ कंपेयर करें, दोस्तों जैसा कि आप देख ही सकते हैं, दोनों में ही मतलब हमको काफ़ी अच्छे कलर देखने को मिला, क्लोज टू नेचुरल। आजकल रियलमी के फ़ोन से भी मुझे बिल्कुल कभी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हमको रियलमी के फ़ोन में भी इतने अच्छे कलर्स देखने को मिल जाएंगे नेचुरल। दोस्तों, दोनों ही फ़ोन से हमको काफ़ी नेचुरल कलर देखने को मिलना है, पर थोड़े मतलब हमको पोको M2 प्रो में ज़्यादा अच्छे कलर्स लगे हैं मुझे, मतलब रियलमी के मुकाबले में। और दोस्तों, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो हो सकता है आप लोगों को इसके कलर पसंद ना आए, तो उससे मतलब कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों, ये अगला फ़ोटो भी मैंने फुल कर लिया, तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं दोस्तों, रियलमी 7 ने काफ़ी अच्छे से फोकस कर लिया है। और दोस्तों, वहीं पर अपन लोग इसको अगर अपने पोको M2 प्रो के साथ कंपेयर करें, तो आप देख सकते हैं दोनों ही फोटो वाला, दोनों ही फ़ोन ने काफ़ी अच्छे से फोकस कर रखा है, और दोनों में ही हमको काफ़ी अच्छी डिटेलिंग देखने को मिल रही है, और कलर्स भी दोनों में हमको लगभग सिमिलर ही कलर देखने को मिल रहा है दोस्तों दोनों ही फ़ोन में हमको, तो मतलब क्लोज टू नेचुरल ही है दोनों। और दोस्तों, ये मैंने इसकी डिटेलिंग चेक करने के लिए लिया था, मतलब कि कौन से फ़ोन में हमको ज़्यादा अच्छी डिटेल देखने को मिलती है जूम करने पर। दोस्तों, दोनों ही फ़ोन में हमको मतलब कि काफ़ी अच्छी डिटेलिंग देखने को मिल जाती है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ पोको M2 प्रो में। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, दोनों ही फ़ोन में हमको जो इस बोर्ड पे लगा हुआ था, वो आराम से पढ़ पा रहा था मैं जूम करके, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी डिटेलिंग के मामले में। और दोस्तों, कुछ इस तरीके की सेल्फी देखने को मिलती है हमको रियलमी 7 के अंदर। तो जैसा कि दोस्तों आप देख ही सकते हैं, फ़ोटो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, लेकिन दोस्तों आप लोग ऊपर डायनेमिक रेंज देखेंगे, तो आपको बिल्कुल भी आसमान दिखाई नहीं दे रहेगा, और मेरे चेहरे पर भी थोड़ी ब्यूटिफिकेशन कर दी है इसने। और दोस्तों, वहीं पर अपन लोग पोको M2 प्रो की बात करें, तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, पोको M2 प्रो की इमेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में, और इसने काफ़ी अच्छे से डायनेमिक रेंज को मतलब एडजस्ट कर रखा हैगा। इसमें आपको बदल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पोको आई मीन रियलमी 7 में बिल्कुल भी आपको बदल वगैरह दिखाई नहीं दे रहे हैं। और आप मेरे फेस का कलर भी आप देख सकते हैं, इसमें क्लोज टू नेचुरल है पोको M2 प्रो में, और रियलमी 7 में उसने थोड़ा मुझे गोरा कर दिया है। और दोस्तों, ये सिर्फ एक बार की प्रॉब्लम नहीं है रियलमी के एक्सपोजर की, आई मीन डायनेमिक रेंज की, ये अब मैं आपको दो और सेल्फीज भी दिखा देता हूँ, तो ये प्रॉब्लम मुझे काफ़ी सारे रियलमी के फ़ोन्स में देखने को मिल रही है, तो सेल्फी के मामले में मुझे इतना पसंद नहीं आया ये। और दोस्तों, अब इसके कुछ वीडियो सैम्पल्स देख लीजिएगा। तो दोस्तों, ये वाली वीडियो अपन पोको M2 प्रो रियलमी 7 के कैमरा, दोनों ही कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप जैसा कि देख ही सकते हैं दोनों फ़ोन की स्टेबिलिटी और वीडियो क्वालिटी।
और दोस्तों रियलमी 7 में हमको एक अल्ट्रा स्टडी मोड भी देखने को मिलता है, इसके बाद में अपन उससे भी कंपेयर करके देखने वाले हैं। और दोस्तों ये है रियलमी 7 का सुपर स्टडी मोड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं भाग रहा हूँ। तो दोस्तों ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है रियलमी 7 प्रो और पोको M2 प्रो के फ्रंट कैमरा से, तो आप जैसा कि देख ही सकते हैं कौन से की आपको परफॉर्मेंस बेटर लग रही है, कौन सा सही से एडजस्ट कर पा रहा है। और मैं चल के भी दिखा दे रहा हूँ आपको, और मैं ये थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ, कौन से में आपको वीडियो ज़्यादा स्टेबल लग रही है वो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।